पाजी, हम पूनम जिंदा है? डायन, तुमरे घर वाले बोलते हैं कि हमरे पति और बेटे ने तुमरी हत्या की है, आज वो तुमरी वजह से 3 साल से जेल में सड़ रहे हैं, और तू आकर बोलती है तू जिंदा है? नमस्कार, आदाब, मैं अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। एक औरत जिसकी मृत्यु की पुष्टि पुलिस रिकॉर्ड्स में हो चुकी थी, नगर पालिका जिसका डेथ सर्टिफिकेट इशू कर चुकी थी, और अदालत उसको एक मृत पीड़िता मानकर उसकी हत्या के लिए सजा का ऐलान कर चुकी थी, उस औरत की एक जीती जागती पहचान सामने खड़ी थी। वो औरत कह रही थी कि उसकी हत्या नहीं हुई थी, वो जिंदा थी। और अगर वो सच कह रही थी तो चौंकाने वाली बात यह थी कि 3 साल पहले जिस औरत की हत्या हुई थी, जिसकी लाश को पूनम की लाश मान लिया गया था, वो औरत कौन थी? सुनने में ये सब किसी फिल्म या नॉवल के एक इंटरेस्टिंग प्लॉट जैसा था, लेकिन ये एक हकीकत भरी दास्तां थी। और उसी दौरान शहर में एक और चौंकाने वाली घटना होने वाली थी, जिसके रहस्य और भी ज्यादा पेचीदा थे। हेलो, भजोई थाना। नदी के किनारे जो हिंदू शमशान भूमि है, वहाँ पर एक 3 साल की बच्ची को मारकर उसकी लाश को जलाया जा रहा है। क्या, किसको जलाया जा रहा है? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो सर, सर हिंदू शमशान भूमि के पास किसी बच्ची को मारकर जलाया जा रहा है। व्हाट? उस कॉलर ने और कुछ नहीं बताया? नहीं सर, जब मैंने उसका नाम पूछा तो उसने फोन काट दिया। हिंदू धर्म में बड़ों की लाशों को जलाया जाता है, सिर्फ बच्चों की लाशों को दफनाया जाता है। अगर एक बच्ची की लाश को जलाया जा रहा है तो मामला जरूर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मैं देखता हूँ, गाड़ी शमशान घाट की तरफ ले जाओ। तुम्हारा नाटक हम सब निकाल दे, सब सच सच बताना, नहीं तो हम तुमको देखना फिर। चल सब 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 देखिए, ये पूनम है, ये पूनम जिंदा है साहब। जिंदा है मतलब? बुझाओ बुझाओ, आग बुझाओ जल्दी, अगर लाश पूरी जल गई तो पोस्टमार्टम में दिक्कत होगी। बड़ी बुरी तरह से जल चुकी है, आसपास पता करो किसी ने कुछ देखा है क्या। तो सर, शमशान भूमि वालों को तो इस बच्ची के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इनफैक्ट उन्होंने कहा कि ये जगह शमशान भूमि के अंडर आती ही नहीं है। इसका मतलब जिसने फोन किया था उसने सही कहा था, जरूर इस बच्ची को किसी ने जान से मारकर लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। फौरन पता करो कि वो फोन कहाँ से आया था और किसने किया था, हो सकता है वो बच्ची और हत्यारे दोनों को जानता हो। अरे साहब, आप समझ ही नहीं रहे हैं, जरा ध्यान से समझिए, देखिए ये पूनम है, जिंदा है, और 3 साल पहले जिसका हत्या हुआ था वो कोई और औरत होगी साहब। कोई और कौन होगी? अब हमको क्या पता कौन होगी, वो तो पाठक जी आपके दरोगा साहब को पता होगा ना। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि पाठक जी की यहाँ से ट्रांसफर हो चुकी है। ट्रांसफर हो गया तो सब बदल गया क्या? आप जेल वालों को अर्जी लिखिए ना साहब, उनको बोलिए वो हमारे पति और बेटे को छोड़ दे, ये पूनम जिंदा है साहब, देखिए। अरे माता जी, ऐसा नहीं होता है। ऐसे नहीं होता तो कैसे होता है? आज अगर हमको न्याय नहीं मिला ना तो हम अपना जान दे देंगे यहीं पर। मां जी तो चुप करो, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। शांत शांत, बैठिए बैठिए। आप मुझे तसल्ली से बताइए कि 3 साल पहले क्या हुआ था। साहब, 3 साल पहले ये तीज का दिन अपने मायका गई थी, फिर एक रात अचानक इसके बाप का फोन आया। बेटा, पूनम के पापा का फोन है। पायलगो पापा जी, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं बेटा। बेटा पूनम पहुंच गई? पूनम,
वो यहाँ आने वाली थी क्या? हाँ बेटा, तुमने तो कहा था उसको अकेले आने के लिए। हम तो ऐसा कुछ नहीं बोले पापा जी। कैसा बात कर रहे हो बेटा? अरे वो तो करीब 4 बजे तुम्हारे घर के लिए निकल गई है। पर वो तो यहाँ नहीं आई पापा जी, रुके हम उसको कॉल लगाते हैं। अरे हमने फोन किया था पूनम को, उसका फोन नहीं मिल रहा है, तभी तो आपको फोन किया। फिर हम सब ने बहुत तलाश किया साहब, जब उसका कुछ पता नहीं चला तो हमारे पति और बेटा ने यहाँ के रपट लिखवाया थाने में। भगवान जाने कहां से पाठक जी को उस नकली पूनम की लाश मिल गई, और उसके बाप ने उसे पूनम बोलकर जला दिया। फिर हमारे बेटे और पति पर दहेज के लालच में इसकी हत्या का इल्जाम लगा दिया। अरे साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब हमने अगर अपनी बहू को मारा होता तो हम उसकी गायब होने की रिपोर्ट आपके पास काहे लिखाने आते सर? अरे सर मेरी बात सुनिए सर। साहब इन्होंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो साहब। अरे सुनिए, अरे कहां लेके जा रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या ऐसा तो नहीं कि आप अपने पति और बेटे को बचाने के लिए कोई नाटक कर रही हैं? और अगर यही पूनम है तो 3 साल से कहां गायब थी, कहां थे तुम? क्या हुआ, चुप क्यों तुम? बोलती काहे नहीं, बोल जल्दी। वो साहब बहुत मुसीबत में थे। देखो मुसीबत में तो अब आप दोनों आ जाओगे अगर पुलिस वालों से कुछ भी झूठ बोला तो। और अगर तुम ही पूनम हो तो कोई सबूत दिखाओ, आईडी है तुम्हारे पास? आईडी? साहब आईडी तो नहीं है हमारे पास, पर साहब आईडी का क्या जरूरत है, हम कह रहे हैं ना हम ही पूनम है, आपके सामने बैठे हैं साहब। देखिए ये सब जांच करने में तो टाइम जाएगा, ये केस पुराना है, इसकी हमें फाइल निकालनी पड़ेगी और ये केस वापस कोर्ट में जाएगा, आपकी पेशी होगी। उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि असली पूनम कौन है, जिसकी लाश 3 साल पहले मिली थी या ये। तेरा मनुष्य कदम हमारे घर में पड़ा, हमारा तो घर ही उजड़ गया। इससे तो अच्छा होता कि सच में मर जाती, तेरी वजह से हमारा पति और बेटा जेल। जी सर। ये जो अभी दोनों औरतें गई, क्या मैटर है? सर बहुत ही अजीब मैटर है। 3 साल पहले एक लड़की की हत्या हुई थी और उसके मर्डर के आरोप में उसके पति और ससुर को जेल हुई थी, और अब 3 साल बाद वो लड़की आके बता रही है कि उसकी हत्या नहीं हुई थी, बल्कि 3 साल पहले जिस लड़की की लाश मिली थी वो कोई दूसरी लड़की थी। What? जी सर। सर और ये पाठक सर के टाइम का केस है। सर सर वो जो बच्ची को जलाने वाला कॉल आया था वो चर्च के फादर ने किया था, उनका नाम स्टीव लाकरा है। अभिषेक अच्छे से इस केस की स्टडी करो और फाइल मेरी टेबल पे पहुंचाओ। सर फादर फोन करके आपने उस बच्ची के बारे में हमें बताया, उस बच्ची के बारे में आपको कैसे पता चला? ऑफिसर इट हैपेंड अराउंड 12 PM, मैं प्रेयर के लिए चर्च में आ रहा था कि मेरी नज़र उस डोनेशन बॉक्स पर पड़ी, उसके ऊपर एक लेटर रखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि 3 साल की बच्ची का मर्डर हुआ है और मर्डरर उसे नदी के किनारे हिंदू क्रेमेटोरियम में जला रहा है, इसलिए मैंने तुरंत आपको कॉल किया। फादर सालों से आप इस इलाके में रह रहे हैं, आप जानते हैं उस बच्ची को, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? अगर वो लड़की कभी चर्च में आई होगी तो डेफिनेटली आइडेंटिफाई हो जाएगी। एक्चुअली उस बच्ची की बॉडी काफी बुरी तरह से जल चुकी है, उसका चेहरा देखकर तो नहीं पहचाना जा सकता। फादर यहाँ चर्च में जितने भी CCTV हैं उनकी फुटेज हमें अरेंज करवा दीजिए, कम से कम हमें उस आदमी का तो चेहरा दिख जाएगा जो यहाँ पर लेटर रख कर गया था। ऐसा कोई कागज मिल जाता इससे पता लगता कि यही पूनम है, पर क्या करें, पूरा घर छान मार लिया, सब जगह देख लिया, हमको तो कुछ मिलता ही नहीं है, क्या करें। अरे हमको तो लगता है कि तुम ही सब कागज उठा ली हो, कुछ नहीं छोड़ा तुमने घर में। माँ जी हमको लगता है कि हमारे सारे कागज ना उसी बैग में थे जो 3 साल पहले चोरी हो गया था। चोर? कौन था वो चोर? हमको नहीं मालूम। 3 साल तक कहाँ गायब थी? अब सोच कहाँ रही हो, बताती क्यों नहीं? माँ जी हम ऐसी मुसीबत में थे कि नहीं बता सकते आपको। काहे नहीं बता सकती, तुम्हारे बाप ने तो हमारे बेटे को बोला था कि तुम मायके से ससुराल के लिए निकली थी, फिर कहाँ गायब हो गई थी? तुम्हारे बाप ने झूठ बोला था? नहीं माँ जी, उनको ना कोई गलतफहमी हो गया होगा। हम एक काम करते हम अभी घर जाते हैं, उनका सारा गलत फहमी भी दूर कर देंगे और हमें जिंदा देख के वो भी बहुत खुश होंगे, और घर पर कोई ना कोई आईडी जरूर मिल जाएगा। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची की मौत दम घुटने से बताई गई है और उसकी उम्र 3 से 4 के बीच की है।
सर चर्च से मिली चिट्ठी में भी बच्ची की उम्र 3 साल लिखी थी। यानी जिसने चर्च में चिट्ठी रखी थी वो इस बच्ची को जानता है और शायद इसके किलर को भी। सर लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोई 3 साल की बच्ची का मर्डर क्यों करेगा? हो सकता है ये कोई फरौती का मामला हो, फरौती ना मिलने की वजह से बच्ची को मार दिया हो, या फिर गर्ल चाइल्ड का मामला हो, माँ बाप को बेटी नहीं चाहिए होगी। ऐसे केसेस में अक्सर माँ बाप बच्ची को पैदा होते ही मार देते हैं, जबकि इस बच्ची की उम्र 3 साल की थी। शिवानी एक काम करो, आसपास के सभी गांवों में पता करो कि किसी 3 साल की बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है क्या। सर चर्च की सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर फादर ने हमें सारी सीसीटीवी फुटेज हैंड ओवर कर दी है, हमारी टीम उसे खंगाल रही है। दरवाजा खोलो! कौन दरवाजा? पापा, माँ, पापा। अरे बात चलो, कहाँ घुसे जा रहे हैं? हम घुसे जा रहे हैं, दोनों मिलकर नाटक कर रहे हो, पहचानते नहीं? पूनम, तुमने हमारे पति और बेटे को इसके खून के इल्जाम में जेल के अंदर करवा दिया। अब हम देखेंगे, हम तुम लोगों को 30 साल के लिए जेल भेजेंगे और वही चक्की पिसवाएंगे। अरे तुम लोग अंदर जाओगे धोखाधड़ी के जुर्म में, अपने पति और बेटे को बचाने के लिए हमारी बेटी जैसी दिखने वाली बहुरूपिया को उठा ला। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? नौटंकी बंद करो, बंद करो नौटंकी, जाओ यहाँ से। अरे सुनो पापा, आप हमें पहचान काहे नहीं रहे? हमें है पूनम। देखो बिना मतलब का रिश्ता जोड़ने का कोशिश मत करो, कह रहे हैं निकलो यहाँ से। चाची चाची आप तो पहचानती है ना? मैं चाची ऐसे क्या कर रहे हैं सब? चाचा चाचा आप तो जानते हैं ना बचपन से। अरे इन सबके सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, तेरे बाप ने सबको पढ़ा रखा है। अरे आईडी नहीं मिला तो क्या हुआ? तुम्हारे ससुराल में तुमको सब जानते हैं, हम पूरे मोहल्ले को लेकर थाने जाएंगे, वहीं सब लोग बोलेंगे कि तुम ही पूनम हो। चलो यहां से चलो। सर सर ये पूनम मर्डर केस की फाइल है, सर ये पूनम की फोटो है। जो लड़की आज पुलिस स्टेशन आई थी उसकी शक्ल हूबहू इस फोटो से मैच करती है। अगर वो लड़की पूनम है जो आज पुलिस स्टेशन आई थी तो फिर ये लड़की कौन है जिसकी लाश मिली थी इंस्पेक्टर पाठक को? सर यही हमें समझना होगा, क्योंकि 3 साल पहले जिस लड़की की लाश मिली थी उसका चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था। पूनम के पेरेंट्स ने लाश के कपड़े देखकर लाश की शिनाख्त की थी। अभिषेक तुम ये केस इंस्पेक्टर पाठक से डिस्कस करो, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। सर सर पासी की चौकी में एक FIR दर्ज है, इसमें एक 3 साल की बच्ची स्वीटी की मिसिंग कंप्लेन दर्ज है जो कि उसकी माँ गीता ने लिखवाई थी। सर ये कंप्लेन उसी दिन की है जिस दिन हमें बच्ची की जलती हुई लाश मिली थी। गीता को शनाख्त के लिए बुलाओ फौरन। सर हमें बॉडी पर से मिला, इसे पहचानती हैं? थाने जाना होगा, पुलिस वालों को बताना होगा यही पूनम है, इसका हत्या नहीं हुआ, ये जिंदा है, ताकि हमारा पति और बेटा छूट जाए जेल से। माना कि ये पूनम जैसे दिखती है पर ये पूनम ही है या कोई और? ये देखो ये पूनम है, पूनम पूनम इसका हत्या नहीं हुआ, जिंदा है पूनम, देखो। कहा पता दीदी, कहीं आप ही कोने नाटक करके किसी को बुला लाई होगी पूनम बना के यहाँ? नहीं 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 कोई नाटक नहीं, चलो, ये चलो, सच्चे देखो हमें इसको। नहीं पढ़ना इनके पचड़ों में, हमें भी नहीं पढ़ना इस पचड़े में। अरे सुनो देखो ये पूनम है, देखो। अरे भैया सुनो तो, गीता जी किसी पर शक है आपको जो इस तरह से स्वीटी को मारकर? सब
जरूरी है सब कुछ भी रेन ने किया। ब्रेन कौन है? हमारा पति, उसी ने ही मारा है स्वेटी को साहब। वो बहुत कमीना है। ब्रेन ने कुछ महीने पहले हमें और हमारे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। क्यों, क्यों किया था उसने ऐसा? सब हमने बिरेन से शादी की, हमने सोचा कि हमें प्यार खुशी सब मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऊपर से हमारे देवर ने हमको नहीं छोड़ा। देवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? डरो मत भौजी, हमको मालूम है हमारे भैया आपकी उम्र के नहीं है, वो आपको इतना प्यार नहीं दे सकते जितना हम आपको करते हैं। एक बार हमको चांस देके देखो। साहब, उसने हमसे बदला लेने के लिए हमारे पति और हमारे सास के कान भर दिए। भैया, हमको तो बोलने में भी शर्म आ रहा है। ये बोल रही थी कि आप उम्र में बहुत बड़े हैं तो आपसे वो मतलब प्यार नहीं हो पा रहा, तो हमारे पास। बिरेन जी, ये झूठ बोल रहा है। ये खुद हमारी इज्जत पे हाथ डालने का कोशिश किया। बिरेन जी, और हमारा बेटा ऐसा नहीं जैसा तू बोल रही है। माँ जी, वो साली दो टके की औरत है, बहुत जवानी फूट रही है तुमको। सब कोर्ट के रख देगा तुमको। हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। जब हमने आवाज उठाने की कोशिश की तो बिरेन ने हमें और हमारे बच्चे को। चल, गैर मर्दों पे मुंह मारने का बहुत शौक था ना तुमको, अब जाओ मुंह मारो, जाओ। हम कहाँ जाएंगे, अपने बच्चे को तो देखिए। कौन से बच्चे? ये बच्चे? साला हमको तो शक है कि ये हमारा बच्चा है कि तुमने किसी आशिक का। जाओ मुंह मारो अब। गीता जी, आपके साथ इतना सब कुछ हुआ, आपने इसकी पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? सब हम अकेली औरत क्या करते, हमें अपने बच्चों का पेट पालना था। स्वीटी गायब कैसे हुई थी? उस रोज हम यहाँ रसोई में काम कर रहे थे और वीनू स्कूल गया हुआ था। स्वीटी यही बरामदे में खेल रही थी, हमारा जरा देर के ध्यान भटका कि स्वीटी, स्वीटी, स्वीटी। साहब, साहब, हमको पक्का लगता है कि उस रोज बिरेन ने ही हमारी स्वीटी को उठाया है। गीता के पति और देवर दोनों को थाने उठा के लेके आओ। ये पूरा का पूरा पूनम दिखाई नहीं दे रहा है, इसका आईडी चाहिए। ना आप लोग हमारे पति बेटे को नहीं छोड़ोगे ना? तो ठीक है, हम खुद भी मर जाएंगे। क्या हो रहा है ये? क्या डर है? संभालो इनको और भीड़ को बाहर करो। साहब, हमारे बेटे पति को छोड़ रखा है इस केस को लेकर। इंस्पेक्टर पाठक से बात हुई? सर, इंस्पेक्टर पाठक किसी दूसरे केस में बिजी हैं, उनसे बात नहीं हो पाई। इस लड़की की कोई बायोमेट्रिक पहचान भी नहीं है? नहीं सर, ना तो इसके पास आधार कार्ड है ना किसी बैंक में इसका अकाउंट है। ये जो लड़की अपने आप को पूनम कर रही है, इसको अंदर भेजो और किसी फीमेल कॉन्स्टेबल को बोलो कि इसकी सास को संभालो। सर, हमारा पोती स्वीटी का हत्या हुआ है? बोल तो ऐसे रही हो जैसे मालूम ही नहीं है। हमें पूरा यकीन है कि तुम ही लोगों ने किया है। नहीं मैम, हमने ऐसा कुछ नहीं किया मैम। हॉबी की इज्जत पर हाथ डालता है, तुझे भी देख लेंगे और तेरे भाई को भी। बिरेन कहाँ है? शहर के बाहर काम से। तो फोन क्यों बंद करके रखा है उसने? शायद बैटरी खत्म हो गई होगी मैम। बैटरी तो अब हम तुम लोगों की चार्ज करेंगे। नहीं मैम, हमने कुछ नहीं किया मैम, हमने सच में कुछ नहीं किया मैम। चलो मान लिया तुम्हें गुनाह, तो फिर वो लड़की कौन थी जिसकी तुम्हारे माँ बाप ने शनाख्त की थी? उस वक्त उन्होंने कहा था कि वही उनकी बेटी पूनम है। अगर तुम पूनम हो तो वो लाश किसकी थी? सर, हमें नहीं पता वो लाश किसकी थी। हमें तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि हमारे मम्मी पापा ऐसा काहे कर रहे हैं। हमें अपनी बेटी मानने को भी तैयार नहीं है वो। पर साहब, हम ही पूनम है, हमारे नहीं है, जिंदा है। तुमने अभी तक हमें ये नहीं बताया है कि तुम इन 3 सालों तक कहाँ थी, तुम्हारा केस अच्छी तरह से पढ़ा हमने।
तुम्हारे माँ बाप का कहना है कि उनकी बेटी 3 साल पहले अपने मायके से ससुराल जा रही थी, तभी उन्होंने पूनम को आखिरी बार देखा। सही बोले हैं वो, उस दिन हम अपने मायके से ससुराल जाने को ही निकल रहे थे। अरे बेटे, दामाद जी को तुम्हें लेने के लिए आना चाहिए था। हाँ, नई नवेली दुल्हन को का अकेले आने जाने के लिए छोड़ता है कोई? अब पापा वो अपना काम देखेंगे कि हमको, और 3 घंटे का तो रास्ता है, चले जाएंगे हम आराम से। अरे आप भी चले जाइए ना छोड़ने। हम ही चले जाते हैं, इसमें क्या है। अरे पापा आप काहे टेंशन ले रहे हैं, हम कह रहे हैं ना चले जाएंगे। हम ससुराल जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे, तभी हमने देखा कि एक चोर हमारा बैग चुरा के भाग रहा है। हम उसके पीछे भागे, हमने बहुत पकड़ने की कोशिश की पर हम नहीं पकड़ पाए, बहुत घबरा गए थे साहब। इतने में ना उस गाड़ी में से एक लड़की बाहर निकली, वो बोली कि हमारा मदद करेगी, वो चोर को ढूंढेगी। उसने हमें पानी भी दिया था साहब, और फिर बोली कि हमें हमारे ससुराल तक छोड़ देगी, वही जा रही थी। हम भी उसकी बातों में आ गए साहब और गाड़ी में बैठ गए, और कुछ देर के बाद हम बेहोश हो गए। फिर जब हमारी आँख खुली, अब हम किसी तहखाने जैसी जगह में थे। ए, ज्यादा हिल मत वरना काट के फेंक दूंगी। बोलो हमें, जाने दो, कोई है। क्यों चिल्ला रही है, चुप करके सो जा। कहाँ है हम? हमें घर जाना है, खोलो हमें। तेरा नसीब अब हम लोग हैं, रोना है ना तो आवाज नीची करके रो, वरना जबान काट दूंगी, समझी? सो जा चुपचाप। और हम वहाँ अकेले नहीं थे साहब, और भी लड़की लोग था वहाँ हमारे जैसा। आए दिन उस जगह पे कोई ना कोई नया लड़की आता था, और साहब वो हम लड़कियों का खरीद फरोख्त करते थे। मतलब वो लोग तुमसे धंधा करवा रहे थे? हाँ साहब, पर शुरुआत में वो हमसे कुछ भी नहीं करा पाए थे। हम पेट से थे साहब। अरे ए, ये किस बवासीर को भेज दिया? ये नया लड़की तो 3 महीने पेट से है, इससे धंधा कैसे कराएंगे? ज़्यादा बकवास मत कर, मेरी बात सुन। 3 साल पहले पूनम के पति ने जब पूनम की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाई थी, तब तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि पूनम प्रेग्नेंट थी, और तुम कह रही हो कि तुम पूनम हो और तुम प्रेग्नेंट थी। हाँ साहब, नहीं बताया होगा क्योंकि तब हमने भी उन्हें नहीं बताया था। तुम प्रेग्नेंट थी तो फिर कहाँ है तुम्हारा बच्चा? क्या क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ? साहब, हम जब पेट से थे तब शुरुआत में तो वो हमसे धंधा नहीं करा पाए थे, पर बाद में पता चला कि हमने एक मरे हुए बच्चे को जला है, और साहब उसके बाद वो लोग हमें धंधे तुम वहां से छूट के कैसे आए? हम हमेशा ना भागने के फिराक में रहते थे, बस एक दिन हमें मौका मिल गया। भाई साहब, भाई साहब, कौन सा जगह है? लखवा। जैसे तैसे हम हमारे ससुराल पहुंचे तो वहां हमारी सास ने ही हमें पहचाना। बस तू जिंदा है? बाकी सब तो बोल रहे थे कि हमारा हत्या हो गया है। साहब, हम ही पूनम है, हमें हमारा पहचान वापस दिला दीजिए। पूनम पिछले 3 सालों से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऐसे जाल में फंसी हुई थी जिसमें फंसने के बाद अक्सर पीड़िताओं के वापस आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पूनम उस दलदल से बाहर निकल आई थी। पर उसकी हर बात को सच मान लेना पुलिस की साख पर सवालिया निशान खड़ा करने वाला था, क्योंकि अगर पूनम सच बोल रही थी तो 3 साल पहले एक अज्ञात लाश को पूनम क्यों मान लिया गया था, और पूनम के माता पिता ने उस लाश की शिनाख्त पूनम मानकर क्यों की थी। हमें यह केस जल्द से जल्द सॉल्व करना है, अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो मसला खड़ा हो सकता है। सबसे पहले हम पूनम के माँ बाप से मिलेंगे, आखिर पता तो चले कि पूनम के माँ बाप पूनम को अपनी बेटी मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं। प्लखुआ और आसपास के एरिया में पता करो कि पूनम आखिर 3 साल तक थी कहाँ। सर, स्वीटी के केस की क्या अपडेट है? सर, गीता की सास और देवर अभी यही कह रहे हैं कि उन्हें बीरेन के बारे में कुछ भी नहीं पता है,
वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि बीरेन ने या फिर उन लोगों ने कभी गीता के साथ कोई गलत सलूक किया है। स्वीटी केस में हमें सबसे पहले बीरेन को ढूंढना है। अगर ये हमारे हाथ लग जाए तो सारी कड़ियां अपने आप जुड़ जाएंगी। हमको मालूम है बेटा, तुम स्वीटी को याद करके रो रहे हो। काश हम स्वीटी को वापस ला पाते। साहब, माँ बाप को अपने बच्चों को पहचानना कोनो बड़ी बात नहीं है। हम साहब कह रहे हैं, हमें कोनो गलत फहमी नहीं हुई है। साहब, जो लाश हमको दिखाया गया था वो लाश पक्का पूनम का था, क्योंकि उसने वही कपड़ा पहना था जो पूनम घर से पहन के निकली थी। फिर वो लड़की कौन है जो आपकी बेटी पूनम होने का दावा कर रही है? साहब, वो कोई बरूपिया है। वो पूनम की सास अपने पति और बेटे को बचाने के लिए जरूर कोई चाल चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाल आप चल रहे हैं? उस लड़की का कहना है कि उसे जिस्म फरोशी के बाजार में भेज दिया गया था। कहीं ये सब आपने? साहब, अगर वो हमारी बेटी होती तो क्या हम उसे बेचते? साहब, आप बताइए, क्या हमें देखकर आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसा करें? आपका भी यही मानना कि वो आपकी बेटी पूनम नहीं है? नहीं। अच्छा, अब शादी के बाद आपकी बेटी पूनम प्रेग्नेंट हुई थी? ऐसा कुछ भी नहीं था सर। नहीं मैडम, हमें नहीं लगता कि आसपास वो जगह है जहाँ हमें बांध कर रखा जाता था। उस जगह के ऊपर ऐसे ना, तुमको जानती भी हो या नहीं, सुबह से 50 जगह देख चुके हैं। कुछ पता है तुम्हें या सिर्फ यूं ही घुमा रही हो हमें? मैडम, हम काहे आपको घुमाएंगे, तो खुद ही परेशान है। मैडम, हम सच कह रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे। सर, चर्च के सीसीटीवी फुटेज से तो कुछ खास नहीं मिला, इसलिए मैंने वहाँ के विजिटर्स की लिस्ट मंगवाई थी। सर, एक नाम सामने आया है, मोहित डिसूजा। सर, पहले तो ये रोज चर्च जाया करता था, लेकिन जिस दिन हमें इस बच्चे की लाश मिली उसके बाद से ये चर्च ही नहीं गया। है कौन ये मोहित डिसूजा? सर, एक प्रचार का काम करता है। मैंने इसके मोबाइल के ट्रैंगुलेशन रिकॉर्ड चेक किए, उस दिन इसका फ़ोन चर्च वाले एरिया में ही एक्टिव था, लेकिन अभी इसका फ़ोन बंद आ रहा है। सर, मैंने इसके घर से ही पता किया, दो दिन से ये गायब है। कभी ना कभी तो ये अपने घर आएगा। अभिषेक, अपने किसी कांस्टेबल को बोलो कि 24 घंटे इसके घर के बाहर नजर रखें। और गीता केस में ब्रेन की क्या खबर है? सर, ब्रेन का भी कुछ पता नहीं चला, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ शिवानी। सर, इस लड़की को न जाने कितने इलाकों में घुमाया, चप्पा चप्पा दिखाया है, लेकिन इसे वो जगह याद ही नहीं आ रही है जहाँ इसके हिसाब से इसे कैद करके रखा गया था। इसके साथ घूमते घूमते अब तो ऐसा लग रहा है कि कहीं यही ना हमें घुमा रही हूँ। साहब, फिर वही बात, हम काहे आपको घुमाएंगे? चलो, माना हो जाएगा तुमको याद नहीं, पर वहाँ के लोगों के बारे में तो कुछ बता सकती हो? लोग? हाँ साहब, ऐसे तो बहुत लड़की लोग था वहाँ, पर एक लड़की को हम अच्छे से जानते हैं। कौन लड़की? निम्मी। निम्मी? हाँ, सब उसे वहाँ निम्मी ही बुलाते थे। उसने तो उसी नरक को अपना जिंदगी मान लिया था। माना, बहुत बुरा किस्मत है माना, लेकिन जो है सो है। अब काहे जी जला रही हो? वैसे भी दो वक्त की रोटी तो मिल रही है ना, जो कहाँ जाए चुपचाप कर लो। इस निम्मी के अलावा कोई और किस? हाँ साहब, एक औरत और थी वहाँ, बिमला, वही हमसे धंधा कराती थी साहब। इन दोनों का तुम्हें चेहरा याद है? हाँ साहब। इन दोनों का तुम हमारे आदमी को इसके इन दोनों का हुलिया बता सकती हो उसको? साहब, कोशिश करेंगे साहब। ठीक है अभिषेक। सर, निम्मी और बिमला का स्केच बनवाओ इसे। आइए। तो खुद को ऊपर वाले के बहुत करीब बताता है ना, तो फिर अब ऊपर वाले के घर जाना छोड़ क्यों दिया? चर्च में चिट्ठी तो नहीं रखी थी ना? छोड़ मत बोलना, सीसीटीवी में हमने वो चिट्ठी रखते हुए तुझे देख लिया। सर, सर क्यों झूठ बोल रहे हैं सर? सर, हमने उस चर्च में सीसीटीवी कैमरा लगवाया था सर। सर, आपको लगता है कि अगर हमने वो चिट्ठी उस बॉक्स के ऊपर रखी होती तो हम अपने आपको सीसीटीवी कैमरे में आने देते? वैसे भी सर, उस बॉक्स के आसपास तो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मोहित बहुत चालाक लग रहा है, जाने दो उसको, और 24 घंटे नजर रखो इस पर। सर, सर पूनम ने निम्मी और बिमला के स्केचेस बनवाए। फौरन ये स्केचेस सर्कुलेट करो और पता करो ये दोनों औरतें कौन है और इस वक्त कहां मिलेंगी। सर,
हमारी बात सुनिए माजी माजी, ये सब हमने जानबूझ के नहीं किया था, हमसे कराया गया था जबरदस्ती। जबरदस्ती कराया गया था, इसका मतलब वो बच्चा उन्हीं में से किसी का था, तो गिनाया काहे नहीं? नहीं माजी, ऐसा मत कहिए, वो बच्चा इन्हीं का ही था। और यही खुशखबरी देने के लिए हम एक दिन पहले मायके से आके ले लिए। तुम चुप, अपने बाप की तरह झूठ बोल रही है क्या? अगर मेरे बेटे का बच्चा होता तो बताता नहीं हमको क्या? पानी किस गंदी नाली का खून था, चल निकला मेरे घर से। अच्छा वो बच्चा मर गया। माजी नहीं माजी, मेरी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए माजी। माजी कहो ना, निकल मेरे घर से। माजी हमारी बात सुनिए माजी, माजी। पूनम की सास जो अब तक उसका साथ दे रही थी, उसने भी पूनम को घर से निकाल दिया था, और अपने माता पिता की मिन्नतें करने के बाद भी वो उसको अपनी बेटी नहीं मान रहे थे। और पुलिस अब भी डाउट में थी कि पूनम सच बोल रही थी या झूठ। वो उस औरत निम्मी को ढूंढने में जुटी हुई थी। वही पुलिस ने गीता के केस में उसकी सास और देवर को हिरासत में ले रखा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी पुलिस ने नहीं की थी। सर, हमने गीता और अपने बच्चों को घर से नहीं निकाला था, वो तो खुद हमारे बच्चों को हमसे दूर लेके चली गई थी। हम तो मिलने के लिए उससे तरस रहे थे, लेकिन अरू बोलती है कि हमने सुटी को मारा है, हमने। ए बंद करिए नौटंकी, अगर तू सुटी को नहीं मारा है तो फोन बंद करके भागा क्यों था? साहब काम से हम बाहर गए थे, लेकिन जब हमको पता चला कि वो झूठा आरोप हम पे लगा दिए तो हम बहुत डर गए थे। लेकिन जब पता चला कि आप हमारे भाई और माँ को छोड़ ही नहीं रहे, तो फिर हम आ गए। अब वो लोग भी कुछ नहीं किए, उनको छोड़ दीजिए। तू, तेरी माँ, तेरा छोटा भाई कितना टॉर्चर करते थे गीता को, और बोल रहे उनको छोड़ दें, अभी तो तू भी अंदर जाए। हम टॉर्चर करते थे? हम? वो टॉर्चर करती थी हमको। कहीं हम इतना पढ़े लिखे हैं और तुम हमको बच्चा पैदा करने का मशीन बना दियो। बस बाहर जाएगा काहे चीज़? साला दो बच्चों का झंझट। अरे हम क्यों चुप रहे? हम किसी से नहीं डरते। साला गाँव में लाके पटक दिया अपने माँ और भाई के साथ में। माँ और बहू बन के सेवा नहीं करना हमको जिंदगी भर? बस परिवार में ना सब साथ में मिलके ही रहता है। वो खोल के दिया ना ब्यूटी पार्लर, और कितना करे? कितना करे मतलब? अरे एहसान की हो क्या तुम हम पर? शादी करके सोचा था कि उम्र में थोड़े बड़े हो तो क्या हुआ, हमारा खर्चा संभाल लेंगे, पर नहीं। अरे तुम्हारा तो अभी से ही कमर टूट रहा है। सिर्फ अपने बच्चों के वैसे उसको मौका पे मौका दिए जा रहे थे, लेकिन वो एक दिन बच्चा को लेके गायब हो गई। साहब अगर गीता का पता होता ना हमारे पास, हम जबरदस्ती विनू और स्वीटी को उठा के लेके आते। आपको कैसे समझाया कि जब से स्वीटी का मौत का खबर सुने क्या गुजर रहा है? ये ब्रेन कोई दूध का धुला नहीं है। शिवानी एक काम करो, ब्रेन की माँ और छोटे भाई को बचा ले, और अपने किसी कांस्टेबल से कहो कि 24 घंटे ब्रेन पर नजर रखे। गीता के बारे में भी पता करो, उसका पास प्रेजेंट सब खोल डालो। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये दोनों इंसान कैसे हैं, तब तक हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि इन दोनों में से कहानी किसकी सच्ची है। तुम क्या भाग रहे हो हमसे? तुम तो जानते हो ना कि हम ही पूनम है, कम से कम तुम तो मान लो कि हम ही हैं। काहे? हम काहे मान ले? तो अब तुम इस बात का बदला निकाल रहे हो कि हम तुमसे नहीं हर्षी से शादी की है ना? देखो, हम तुमको उसी दिन ही बता दिए थे कि हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो प्यार करते थे ना हमसे, तो बस एक दोस्त की तरह मदद मांग रहे हैं। देखो अब हम ना दोस्त भी नहीं रहे, और आगे से हमारा रास्ता मत रोकना। साहब ये औरत के जैसा सेम टू सेम औरत दिखा है सिकंदराबाद के पास। पक्का यही है ना? हाँ साहब पक्का। निम्मी? कौन निम्मी? तुम? ये तुम ही हो ना? क्या बोल रहे हो आप? मेरा नाम शिखा है। देखो झूठ बोलने की कोशिश मत करना, हमें पूनम ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है कि कैसे तुम लोग एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का शिकार हुए थे। क्या? कौन पूनम? और हम किसी निम्मी या पूनम को नहीं जानते। रुकिए हम आपको हमारी आईडी दिखाते हैं। देखो हम तुम्हारे साथ और नहीं भटकने वाले, जो भी सच है बता दो, और सिर्फ सच। साहब शुरू से हम आपको सच ही तो बता रहे हैं, अब और क्या बताएं? शुरू से? तुमने एकदम शुरू में क्यों नहीं बताया था पहली बार में ही कि तुम 3 साल तक कहाँ थी?
कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबके पीछे तुम्हारा मत... अब तो आपको पता चल गया तो ये क्या हमारे ससुराल में सब जगह सब कुछ सब पता चल गया। कहा हुआ आप? हमारी सासू माँ हमें पहचानती थी, उन्होंने भी हमें घर से बाहर निकाल दिया। साहब हमें पता था हमारे साथ ऐसा ही होगा, इसलिए हम शुरुआत में ये बात बताने को हिचकिचा रहे हैं। हमारा यकीन मानिए साहब, हम सच बोल रहे हैं। ये केस कुछ ज्यादा ही उलझ गया। आखिर पूनम का मैटर है क्या? ये जो कुछ बोल रही है वो सही है या बस ये हमें यहाँ से वहाँ घुमा रही है? और अगर हमें ये यहाँ से वहाँ घुमा रही है तो इसके पीछे इसका मकसद क्या हो सकता है? सर मुझे लगता है ये घुमा रही है, क्योंकि वो औरत भी निम्मी नहीं निकली। उस औरत का निम्मी ना निकलना मुझे कुछ खटक रहा है। मतलब सर? मतलब ये कि पूनम किसी औरत का इतना सटीक स्केच कैसे बनवा सकती है? जाहिर सी बात है वो उस औरत से मिली होगी तभी विमला को भी ढूंढती। अच्छा, और गीता के केस में ब्रेन और उसकी फैमिली की क्या अपडेट है? सर उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला अब तक। खेलना बंद करो, लो खाना खा लो। को भूख नहीं है। अरे काय झूठ बोल रहे हो? हमको सब पता है कि तुमको भूख है और तुम आजकल ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हो। हाँ, अरे तुम्हारा फेवरेट नूडल्स बनाया है। चलो आ करो, आ करो, आ करो, आ करो। नहीं, हमको नहीं खाना है। बोला ना खा लो। लगता है आज आपका लकी डे है, ये निम्मी की असलियत सामने आ गई। कौन? सॉरी मैंने रूम सर्विस बोला, हवाला सर्विस। ले चलो ने। मुझे इस लाइन में किसी ने जबरदस्ती नहीं लाया था, मैं इस लाइन में अपनी मर्जी से आई थी। काम क्या करती हो तुम? सर मेरा काम बहुत सिंपल था, मुझे उन लड़कियों के बीच रहना होता था, उनके बारे में जानना होता था, उनकी कमजोरियों के बारे में, ताकि उन्हें तोड़ने में आसानी हो। सर हमारा नेटवर्क तो पूरे इंडिया में फैला है, पर मेरे अंडर सिर्फ लखुआ है। पूनम को किसने बेचा था तुम्हें? एक पारो नाम की लड़की है सर, उसी ने बेचा था, वो हमारी सप्लायर है। सर कॉल डिटेल से पता चला कि ये नंबर किसी पारो नहीं बल्कि ख्याति के नाम पे रजिस्टर्ड है। ख्याति? चौंकाने वाली बात यह है कि ख्याति के सिम डिटेल्स में गीता का फोटो अटैच्ड है, और इस नंबर से मोहित को कई कॉल्स हुए। बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो तो बाहर गई है। सर हमने कुछ भी गलत काम नहीं किया है सर। स्वीटू को मम्मी ने ही मारा। वो हमारे प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि हमसे शादी करने के लिए वो अपने दोनों बच्चों की जान लेने पे उतारू होगी। सर मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम्हारे साथ में रहना है, तुम्हारे साथ में शादी करनी है बस। तुम नहीं कर सकते हम शादी, तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, तुम्हारे दो बच्चे हैं, समझती क्यों नहीं हो? अरे तुम बच्चों के बारे में क्यों सोचते हो? बच्चों का तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगी बच्चों का। जब हमको पता चला कि वो अपनी बेटी की हत्या कर दी उसने तो सर हम डर गए सर। और सर हाँ सर, हमने उस डोनेशन बॉक्स के ऊपर वो चिट्ठी रखी थी ताकि आप उसको पकड़ लें। काम लगी क्या था? हाँ हमने ही मारा अपनी बेटी को। हमने तो कुछ दिनों बाद फीनू को भी रास्ते से हटाने का सोचा था ताकि मोहित के पास कोई बहाना ना बचे और
पाम से शादी कर ले। अपने ब्यूटी पार्लर से प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलानी थी ना तू गीता और पारो, कैथी के नाम से वो फोन नंबर भी तुम्हें लिया था ना। अब ये बोलो इस सब के बीच में पूनम कहाँ से आई? उसे उसकी किस्मत खींच लाई। मतलब? उस रोज हमने एक दूसरी लड़की उठाई थी और उसी की दवा की मात्रा कुछ ज्यादा ही पड़ गई और वो लड़की मर गई। और ये तो मर गई, अब किसको बेचेंगे? बेचने का बाद में सोचेंगे, इस लाश को फेंकेंगे कहाँ? जब हम गाड़ी से जा रहे थे तो हमने पूनम को रोते हुए देखा। देख वो लड़की रो रही है, तो जाके नीचे देख के क्या मामला है, है ना? अगर झांसे में आती है तो पानी पिला के अंदर बिठा ले। विजय गाड़ी रोक 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 रोक। उस रात हमने गाड़ी सुनसान जगह पे रुकवाई और दोनों लड़कियों का कपड़ा अदला बदली कर दिया। और फिर पूनम के साथ जो हुआ उसको किस्मत कह रही हो तुम? उसके ये उसकी किस्मत नहीं है, ये तुम्हारे गुनाह है, तुम्हारी तरंदगी है जो तुमने उसके साथ की। और अब तुम्हारी किस्मत यह है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल के अंदर कटेगी। और यह तुम्हारी किस्मत किसी और ने नहीं लिखी है बल्कि तुमने खुद लिखी है अपने हाथों से, इतने सारे गुनाह करके। किस्मत की बात करती है, सर हमने विमला के दूसरे अड्डे पर रेड मारी, वहां से एक 2.5 साल की बच्ची बरामद हुई है। बच्ची पूनम की है, सही सलामत है। मतलब उन लोगों ने पूनम को झूठ बोला था कि उनकी बच्ची मरी हुई पैदा हुई। बच्ची को जल्द से जल्द पूनम को सौंप दो। एक बच्ची की अधजली लाश मिलने से शुरू हुए इस केस के सिरे एक ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जाकर जुड़े थे और इसे एक्सपोज करने के बाद पुलिस ने लगभग 200 से ज्यादा विक्टिम्स को रेस्क्यू किया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूनम का ही हौसला था जिसके कारण इन लड़कियों को एक नई शुरुआत करने का मौका मिला था। अब पूनम को अपनी पहचान वापस मिल गई थी। क्या हुआ? अब तो प्रूफ भी हो गया ना कि वो लड़की हमारी बेटी है, अब तो चलेंगे ना मिलने उससे। लेकिन 3 साल पहले जो पुलिस से लापरवाही हुई थी उसके लिए उन्हें अदालत की फटकार का सामना करना पड़ा और अदालत ने पूनम और उसके ससुराल वालों को 10 लाख का कॉम्पनसेशन देने का आदेश भी सुनाया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।